भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है और कोविड 19 के खिलाफ सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। तो वैक्सीन के आम लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या होगी, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, साइट पर कैसे पहुंचेगी वैक्सीन, आपको किन नियमों का करना होगा पालन, ऐसे आम लेकिन अहम सवालों के जवाब हम यहां दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आगे रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप का इस्तेमाल होगा। लेकिन सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो आईडी कार्ड जरूरी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, श्रम मंत्रालय की स्कीम के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड हो सकता है, मनरेगा कार्ड भी काम करेगा, MP, MLA, MLC द्वारा जारी की गई ऑफिशियल पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस का पासबुक, केंद्र या राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी की गई दी गई सर्विस आईडी कार्ड भी शामिल है। क्या कोई शख्स बिना रजिस्ट्रेशन के कोविड-19 वैक्सीन ले सकता है? नहीं, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए सेशन साइट और समय के बारे में सूचना शेयर की जाएगी। फिर सवाल ये भी है कि क्या अगर किसी शख्स ने सेशन साइट पर फोटो आईडी कार्ड पेश नहीं की तो उसे वैक्सीन मिलेगी? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और सेशन साइट पर वेरिफिकेशन के लिए फोटो आईडी कार्ड मैंडेटरी है। वैक्सीन की कीमतें क्या होंगी ये अभी साफ साफ तय नहीं हो पाया है, लेकिन फर्स्ट फेज में वैक्सीन लेने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन फ्री में मुहैया कराई जाएंगी। अब जानिए कि क्या सेशन साइट पर किसी तरह के सुरक्षात्मक उपाय और सावधानी का पालन करने की भी ज़रूरत होगी। तो इसका जवाब ये है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन सेंटर पर आराम करना होगा। अगर किसी तरह की बेचैनी महसूस होती हो तो नज़दीकी हेल्थ अथॉरिटी, ANM या आशा कर्मी को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जारी रखना होगा। वैक्सीनेशन के बारे में लाभार्थी को जानकारी कैसे मुहैया कराई जाएगी? दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर वैक्सीनेशन की तारीख, जगह और समय के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। वैक्सीन की पूरी डोज लेने के बाद QR कोड आधारित सर्टिफिकेट भी मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन में दो डोज वैक्सीन की लेनी जरूरी है, ये सबको पता है, लेकिन इन दो डोज के बीच कितना अंतराल होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन शेड्यूल पूरा करने के लिए वैक्सीन की दो डोज 28 दिनों के गैप पर लेनी होगी। तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये डोज लेने के कितने दिनों बाद शरीर में एंटीबॉडी तैयार होगा? तो मैं आपको बता दूं, कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का एक सुरक्षात्मक लेवल आपके शरीर में तैयार हो जाता है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। क्या कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवा ले रहे लोग वैक्सीन ले सकते हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल तरह से सुरक्षित है और ऐसे लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लेने की ज़रूरत होगी। अब जानते हैं कि आपके शहर तक वैक्सीन कैसे पहुँचा रही है सरकार। तो भारत का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो GMSD के जरिए संचालित होता है। ये सरकारी डिपो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीदते हैं। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 स्टेट वैक्सीन स्टोर GMSD से या सीधे मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन प्राप्त करते हैं। स्टेट वैक्सीन स्टोर फिर इंसुलेटेड वैन के जरिए क्षेत्रीय, जिला और उपजिला स्तर के कोल्ड चेन पॉइंट तक वैक्सीन का वितरण करते हैं। और ये चेन किस तरह चलती है ये जान लीजिए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन प्राइमरी स्टोर तक लाई जाती है, वहां से रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन के जरिए रीजनल वैक्सीन स्टोर तक और फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पर पहुंचने के बाद वैक्सीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या अर्बन हेल्थ सेंटर के कोल्ड चेन पॉइंट तक पहुंचती है। कोल्ड चेन पॉइंट से वैक्सीन कैरियर के जरिए सब सेंटर, सेशन साइट और वहां से टारगेट ग्रुप तक वैक्सीन को पहुँचाया जाता है। उम्मीद है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े आपके मन में चल रहे अहम सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और YouTube पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।